हाय एवरीवन, आज हम बताएंगे इसको इस वीडियो में पैकिंग परसेंटेज कितने बार एग्जाम में आते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पैकिंग परसेंटेज पे, ठीक है। और नंबर्स ऑफ आइटम्स भी आप इम्पोर्टेंस ही होता है जो आपको हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में, जाके देख लीजिएगा। और मेन जो एक और इम्पोर्टेंस चीज़ होता है ए और आर में जो रिलेशन होता है ये, ठीक है। तो जो अभी आपको हम टेबल बता रहे हैं ये इम्पोर्टेंस है, इसका बहुत यूज आएगा आगे भी क्वेश्चन बनाने में, जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसे आप लोग याद कर लेना, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल, अच्छा पैकिंग परसेंटेज ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग परसेंटेज ऑफ यूनिट सेल कौन कौन से होते हैं, मेन एफ सी सी फेस सेंटर क्यूबिक, बी सी सी बॉडी सेंटर क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक। एफ सी सी फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक, ठीक है। पैकिंग परसेंटेज ठीक है, पैकिंग परसेंटेज और नंबर ऑफ एटम्स और ए और आर में जो रिलेशन होता है ये देखेंगे, ठीक है। पैकिंग परसेंटेज क्या होता है, 74% होता है किस में, एफ सी सी में। इससे थोड़ा सा कम होता है, 68% होता है किस में, बॉडी सेंटर में। और सिंपल क्यूबिक में होता है 52%। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, सबसे कम, उससे अधिक क्या होता है, बॉडी सेंटर 68 और उससे अधिक फेस सेंटर, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लेना, तीन है, याद करने में कोई समय अधिक नहीं लगेगा, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, फेस सेंटर में आपको बताए थे एटम्स के लिखने के लिए बताए थे आपको कि 1, 2 का 4, 1, 2, 4। प्रीवियस वीडियो आप लोग जाके देख लेना इस ट्रिक के लिए कि कैसे इसको बनाने के लिए भी बताए थे कि एटम्स निकालने के लिए क्या क्या हम लोग सफिशियंट ट्रिक चाहिए और कैसे निकालते हैं, इजी वे में आपको बताए थे, जाके आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख लेना। और यहाँ पे इसका बहुत आगे भी इसका क्वेश्चन बनाएंगे डेंसिटी वगैरह आप जब पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको क्वेश्चन बनाएंगे डेंसिटी पे, तो इसका बहुत जरूरी पड़ता है इस टेबल का, जो आपको टेबल अभी बता रहे हैं। तो आप लोग इस टेबल को ही पूरा अच्छे से याद कर लेना। ये पैकिंग परसेंटेज हो गया और एटम्स जो होते हैं 1, 2 का 4, 1 किस में होता है, सिंपल क्यूबिक में, और बी सी सी में 2 और एफ सी सी में 4। और ए और आर का रिलेशन होता है, जो ए होता है सिंपल क्यूबिक में वो 2R होता है और जो बी सी सी में होता है ए इजकल टू 4R/√3, ठीक है। ए इजकल टू 4R/√2 होता है किस में, एफ सी सी में। आप इसे याद कर लेना और इसके बारे में ये जो ए और आर का रिलेशन, बस आप लोग इस वीडियो में के लिए आप लोग इसको याद कर लेना और नेक्स्ट वीडियो में ए और आर के रिलेशन को हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे और इसके बारे में हम अच्छे से बताएंगे कि ये आखिर होता क्या है। बस इसे आप लोग अभी के डेट में इसे याद कर लेना, इसके इम्पोर्टेंस आपको आगे पता चलेगा आगे के वीडियो में, ठीक है।